अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने मंगलवार को मुख्य कार्यकारी समिति CC की बैठक के बाद कई नियमों में बदलाव किए हैं। इन नियमों की सिफारिश सौरव गांगुली की अगुवाई वाली पुरुष क्रिकेट समिति ने की थी। पुरुष और महिला क्रिकेट में यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी किसी बल्लेबाज के कैच आउट होने पर अगली गेंद पर नए बल्लेबाज को ही खेलनी होगी, रन भागने से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस बैठक के बाद गांगुली ने कहा, पहली बार ICC क्रिकेट समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का सम्मान प्राप्त हुआ। मैं समिति के सदस्यों के योगदान से खुश हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण सिफारिशों की गई हैं। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से क्या क्या बदलाव होंगे। जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक में आएगा, भले ही बल्लेबाज कैच लेने से पहले एक दूसरे को पार क्यों ना हो गए हों। पहले यह नियम था कि कैच पकड़े जाने से पहले अगर बल्लेबाज एक दूसरे को पार कर लेते हैं तो दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज स्ट्राइक पर आता था और नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहता था। अब विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे मैचों में 2 मिनट के भीतर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार होना होगा, जबकि T20 में यह समय पहले 90 सेकंड का रखा गया था। पहले नए बल्लेबाजों को इसके लिए टेस्ट मैच में 3 मिनट का समय लगता था। अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने की कोशिश में पिच से बाहर चला जाता है तो वह गेंद डेड बॉल हो जाएगी और बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी गेंद जो बल्लेबाज को पिच छोड़ने के लिए मजबूर करेगी उसे नो बॉल कहा जाएगा। कई मौकों पर जब गेंद गेंदबाज से हाथ से छूट जाती है और पिच से काफ़ी बाहर चली जाती है, तब बल्लेबाज पिच से बाहर जाकर उसे खेलते थे। अब पिच से बाहर जाने पर बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिलेगा। गेंदबाज के गेंद फेंकने से ठीक पहले अगर फील्डर जानबूझकर कोई अनुचित हरकत करे तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल देने के अलावा बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनल्टी के रूप में 5 रन भी दे सकता है। अगर कोई गेंदबाज गेंद करने से ठीक पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज की किलियां बिखेर कर उसे आउट कर देता है तो उसे रन आउट माना जाएगा। पहले यह नियम था, अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने से पहले क्रीज से बाहर आता है तो गेंदबाज उससे रन आउट कर सकता था, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है। ऐसा करना वह गेंद डेड बॉल मानी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज साइट। धन्यवाद। Thank you.